लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आते हैं कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर्स। तो कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब एक्सेल में करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है ए, यहां पे है बी। अब मैं ए एंड बी करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आ गया, दोनों चीजें जुड़ गई आपस में, ये हमारे कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर करते हैं। मैं मेरा नाम लिख देता हूं सतीश और यहां पे स्पेस देके, तो देखिए आप मेरा जो नाम है सतीश दुबे यहां पे पूरा आ गया। तो इसने कॉन्कैटेनेट कर दिया, यानी कि दो चीजें, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, हम एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं सब कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, ओके, अपने तीन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, डीम ए एस स्ट्रिंग, डीम बी एस स्ट्रिंग एंड डीम सी एस स्ट्रिंग। ठीक है जी, ए का वैल्यू दे दिया मैंने न्यू, बी का वैल्यू दे दिया मैंने डेली, स्पेस देके डेली ताकि वो पूरा है, और सी का मैंने वैल्यू दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और डीबग डॉट प्रिंट में, प्रिंट में सी। तो ए का वैल्यू न्यू, बी का वैल्यू डेली, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डीबग डॉट प्रिंट सी। तो मेरा यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो न्यू डेली आएगा, मेरा न्यू डेली प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अभी कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर में भी हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है ये प्लस का साइन और दूसरा होता है एम्परसेंट का साइन, इसको एम्परसेंट कहते हैं, इसको प्लस कहते हैं। अभी प्लस वाला जो ऑपरेटर है ये डायनामिक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे इसको इंटीजर कर लूं, बी को भी इंटीजर कर लूं और ए की वैल्यू मैं 10 दे दूं, बी की वैल्यू मैं 20 दे दूं, तो यहां पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 30 आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग होगा क्योंकि मैं वैल्यू जो है स्ट्रिंग में सेव करा रहा हूं। तो रन कर देते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो 30 आया, लेकिन ये नंबर फॉर्मेट का 30 नहीं है क्योंकि मेरा जो सी वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, लेकिन इसने जो दोनों को जोड़ा उसने इन दोनों को सम कर दिया, मतलब मैथमेटिकली इसने इसको सम कर दिया। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि इसका काम होता है दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स को सम कर देना, तो इसने यहाँ पे सम कर दिया। जो हमारा अभी मैं इन दोनों को स्ट्रिंग कर देता हूँ, अब जब मैंने इनको स्ट्रिंग कर दिया तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 को एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, 20 को एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी 10-20 आएगी, 10-20। लेकिन स्ट्रिंग को लिखने का सही तरीका होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 10 और उसके ठीक बाद 20 आएगा, 10-20। तो मेरा रिजल्ट आ गया 10-20। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए मैंने इसको इंटीजर लिखा, अभी ये जो प्लस का साइन है कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर में ये एरर प्रोन है, यानी कि रिजल्ट हर बार आप वैसा ही उम्मीद नहीं कर सकते जैसा आपको चाहिए। अभी मैंने 10 को इंटीजर का डेटा टाइप दिया और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में 10 लिखा, बी को भी इंटीजर का डेटा टाइप दिया और इसको 20 लिखा, तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 30 आएगा। इसने क्या किया कि ये समझ गया कि इंटीजर डेटा टाइप दिया गया ए को, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमास में यूजर ने गलती से लिख दिया है। ठीक है, तो इसने इसको 30 कर दिया, तो ये एरर प्रोन है। तो कॉन्कैटेनेशन में अगर कोई परफेक्ट स्ट्रिंग है तो उसका, उसमें तो हम सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्ट्रिंग नहीं है, लिखने का तरीका भी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इस प्लस साइन का यूज ना करें तो बेहतर है। पर खैर, अभी हमको सिर्फ इसका यूज करना देखना है, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं प्लस कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए मैंने तीनों स्ट्रिंग लिख दिया, ए न्यू, बी स्पेस देके डेली, और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी विच इज न्यू डेली, तो ये हमारा यहां पे रिजल्ट आ जाएगा न्यू डेली। अभी यही काम हम यहां पे एम्परसेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। एम्परसेंट चाहे आपके पास
स्ट्रिंग हो चाहे आपके पास न्यूमेरिक हो, ये हर बार इसको कॉन्कैटिनेट ही करने वाला है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू इंटीजर कर देता हूँ, बी की वैल्यू फिर से इंटीजर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है 20, और यहाँ पे मैं प्लस की जगह एम्परसेंट का साइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, इसको फिर से मैं 10 लिख लेता हूँ और 20 लिख लेता हूँ। अब जहां ये मेरा प्लस वाला जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर था, ये इन दोनों वैल्यूज को सम कर देगा, ये वाला ऑपरेटर मेरा फिर भी इनको कॉन्कैटिनेट ही करेगा, यानी कि इनको जोड़ ही देगा, एक के बाद एक अलाइन कर देगा। इसको रन करके देखते हैं, इसका रिजल्ट देखिए 30 और अब इसका रिजल्ट देखिए 10 20। तो आप देख रहे हैं ये दो हमारे कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रिंग पे काम करने का तरीका बिल्कुल एक होता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिक पे काम करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं, तो दोनों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल बदल जाता है। ये अपने आप को डायनामिक बना लेता है, लेकिन ये जो है ये अपना कॉन्कैटिनेशन वाला काम ही करते रहता है। तो ये हमारे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स थे।